तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में हेडमास्टर के 3096 पद खाली पड़े हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरी की पूरी सूचना। देखिए, राज्य भर में यानी कि पूरे के पूरे झारखंड में मिडिल स्कूल यानी कि 6 to 8 छः क्लास से आठवीं कक्षा तक के जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, इनमें कब आएंगे हेडमास्टर के पद? 3226 पद हैं, ठीक है, सृजित, पर इनमें से 3096 पद खाली हैं। मतलब कि मात्र कितने हैं जी हेडमास्टर के पद? मात्र कुछ ही है, मात्र 180 आसपास है, ठीक है, समथिंग है, मात्र इतना ही है और अभी इतना पद खाली है। सोच के रखिए यार, कितना पद खाली है, 3096, और बोल रहे हैं कि कुल 3226 पद है, इसमें से इतना पद खाली है, मात्र इतना आदमी अभी काम कर रहा है, यानी कि जल्द ही प्रिंसिपल की वैकेंसी आने वाली है और यह न्यूज आज आपके दैनिक भास्कर में आई है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं क्या बोला गया है। देखिए, अंतरहीन प्रतीक्षा, 95% स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे क्वालिटी एजुकेशन बाधित। ठीक है, अब देख लेते हैं तो क्या बोला गया है। तो राज्यभर में मिडिल स्कूल में कब आएंगे हेडमास्टर? 3226 पद है सृजित, पर इनमें से 3096 पद खाली हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। वैकेंसी कब आएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, सारी चीज़ें। देखिए, एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक बोला गया है कि राज्य के मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल के कुल 3226 पद हैं। ठीक है, इसमें से वर्तमान में 3096 पद रिक्त हैं यानी कि खाली हैं। ठीक, वहीं सिर्फ 130 प्रिंसिपल के भरोसे यानी कि प्राइमरी व मध्य स्कूलों को, मात्र 130 को प्रिंसिपल के भरोसे प्राइमरी व मध्य स्कूलों, ठीक है, को संचालित किया जा रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है कि यानी सिर्फ 5% स्कूलों में ही अस्थाई प्रिंसिपल हैं, बाकी स्कूलों में क्या नहीं है? नहीं हैं, बट अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। जबकि 95% स्कूल प्रभारी जो प्रिंसिपल के भरोसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसकी मुख्य वजह रिटायर होने के बाद प्रिंसिपल के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होना है। ठीक है, अगर नियुक्ति होती तो इतने 95% पद खाली नहीं होते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि इन स्कूलों के इन जितने भी स्कूल हैं जिला के स्कूलों में एक भी प्रिंसिपल नहीं है। कितना जिला है इसमें, आइए देखते हैं। राज्य में कुल 24 जिले हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं, और राज्य निर्माण के समय 18 जिले थे। इनमें से कई जिलों के मध्य विद्यालय में एक भी परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। इनमें हजारीबाग, चतरा, सरायकेला खरसेवा, ठीक है, लोहरदगा, रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़ शामिल है। वहीं 5 जिलों के लिए सिर्फ एक अस्थायी प्रधानाध्यापक है, इनमें है रामगढ़, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, जामताड़ा, ठीक है, जिले शामिल हैं। राज्य में लंबे समय से शिक्षकों को प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जामताड़ा है, अलग हुआ था, 19वां राज्य है झारखंड का, यह आपका 20वां राज्य है और यह आपका बना था, 21वां राज्य है। जामताड़ा अलग हुआ था दुमका से, झारखंड का 21वां राज्य हो गया। 20वां राज्य है आपका सरायकेला खरसावा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा क्योंकि मेरा 18 राज्य थे पहले, 19वें नंबर पे राज्य पे आता है हमारा लातेहार। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बीच में भूल गया था इसलिए रिवीजन कर लिया। आगे बताते चले कि प्रत्येक माह प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब प्रत्येक महीने जो है रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन उनके स्थान पर नियुक्ति नहीं हो रही है। प्रिंसिपल की नियुक्ति के बिना स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है यार, कि जब घर का मुखिया ही नहीं हो तो, बोलते हैं ना एक कहावत है, क्या कहावत है, रानी पुत गोमदा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं कि जिसका रखवाला करने नहीं होता है ना, वो आदमी भाग जाता है, वहाँ के बच्चे भाग जाते हैं, मास्टर भाग जाता है। ठीक है, कि बात बेमानी है, तो इस तरह से है कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करना बिल्कुल बेमानी है जब वहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं हो और वहाँ पे बोलेगा कि बार बार कि यार बच्चों को बोला ये कहाँ से लाएंगे यार, जब आप क्वालिटी नहीं देंगे तो। ठीक है, प्रिंसिपल दीजिए पहले, फिर है शैक्षणिक कार्य पर असर। प्रिंसिपल का पद रिक्त होने का सीधा असर स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। अस्थायी प्रिंसिपल की तरह प्रभारी प्रिंसिपल में आत्मविश्वास नहीं होता है। ठीक है,
क्योंकि प्रभारी प्रिंसिपल को लगता है कि कुछ दिनों के लिए ही बने हैं, अस्थाई प्रिंसिपल के आते ही पद से हट जाएंगे। आखिर कोई भी आदमी सोचेगा कि यार चलो हाँ होते हैं परमानेंट तो हम अपने काम पे पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। अब उतना ईमानदार आदमी हर कोई नहीं होता है कि आपको जितना भी दिन है वह अच्छे से काम करें, ठीक है, वह हर आदमी नहीं होता है। तो यहाँ पे एथिक्स और मॉरलिटी की भी बात होती है, तो आपको टीचर देना ही पड़ेगा राज्य को, और नहीं तो इसी तरह से सरकारी स्कूल चलेगा। शिक्षकों को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल की कमी दूर की जा सकती है। प्रोन्नति नियमावली 1993 में संशोधन से प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा चांस है। मतलब क्या बताएं, एक तरीका है कि आप प्रमोशन दे दीजिए, अगर आप वैकेंसी नहीं डालेंगे तो टीचर का प्रमोशन कर दीजिए और उनको हेडमास्टर बना दीजिए, जो कि नंबर वन मतलब कि पढ़ाने में अच्छे हों। इंटरव्यू लिख लीजिए कि आप एक कमेटी बना के, ठीक है, और जिनकी रेगुलेटी अच्छी हो, रूल्स रेगुलेशन अच्छा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, नियम कायदे कानून स्कूल में फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन, इन सभी को ध्यान में रख के जो है टीचर की बहाली करनी होगी, चाहे इंटरनल सिलेक्शन प्रमोशन के थ्रू ये टीचर के जो पद हैं हेडमास्टर के वो कंप्लीट करने होंगे। अब देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। तो देखिए आज की जो न्यूज़ थी मैंने आपके सामने रख दिया, मुझे लगा कि यह इंपॉर्टेंट है, हम सभी के बीच आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रस्तुत किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक छोटी से बड़ी अपडेट जो एडुकेशन से रिलेटेड होती है प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।